नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 8 प्रो वर्सेस वीवो Y15s 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Spark 8 Pro में 6.65 इंच जबकि Y15s 2021 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Spark 8 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Spark 8 Pro में 3.02 इंच जबकि Y15s 2021 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Spark 8 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Spark 8 Pro में 0.35 इंच जबकि Y15s 2021 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Spark 8 Pro में 196 ग्राम्स जबकि Y15s 2021 में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Spark 8 Pro में 20:5:9 जबकि Y15s 2021 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Spark 8 Pro में 6.8 इंचेस जबकि Y15s 2021 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Spark 8 Pro में 1080x2460 और Y15s 2021 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Spark 8 Pro में 84.73% जबकि Y15s 2021 में 83.02% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Spark 8 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y15s 2021 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Spark 8 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और Y15s 2021 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Spark 8 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y15s 2021 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Spark 8 Pro में Mali G52 MC2 जबकि Y15s 2021 में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Spark 8 Pro में MediaTek Helio G85 और Y15s 2021 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Spark 8 Pro में 4GB जबकि Y15s 2021 में 3GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Spark 8 Pro में 64GB जबकि Y15s 2021 में 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Spark 8 Pro में अप टू 512GB जबकि Y15s 2021 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Spark 8 Pro में 4 कलर्स जबकि Y15s 2021 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Spark 8 Pro 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,599 में मिल जाता है, और बात करें Y15s 2021 की तो वो 3GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,990 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें वीवो Y15s 2021 की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 8 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में स्पार्क 8 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है, दूसरा इन्फिनिक्स हॉट 10 है, तीसरा माइक्रो मैक्स इन नोट 1 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 8i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।